अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। A3 मदीना, और अभी हो गए हैं कोई 4 बज गए हैं इधर के, और नमाज फजर का टाइम हो गया। हम सब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं नमाज फजर, और बस 5-6 मिनट रह गए शायद नमाज में। सोचा था कि तहज्जुद तक भी पहुंच जाएंगे, अभी 4-5 मिनट हैं, लेकिन तहज्जुद का सोचा था लेकिन नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन नमाज जाके पढ़ते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करके सो जाएंगे, फिर जोर पे जागेंगे और देखेंगे कि आज की क्या रूटीन है और आज क्या होता है। आज भी हमारे हाजी भाई या तो आ रहे हैं या तो जा रहे हैं मदीना से, रौनक है थोड़ी बहुत लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। शुभान भाई, हमारे व्लॉग में आप क्या कहेंगे? बस सुबह की नमाज का टाइम है फजर का, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बताएं मदीने में कितना सुकून है। फजर की नमाज का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मैं बिल्कुल शोर नहीं है यार, कुछ शोर नहीं है। मिशन आप दिखाएं फ्रंट पे करके, मामा दिखाएं स्पीड स्पीड जा रही है। मामा का तो माशाल्लाह सही अच्छा हो गया है, पाकिस्तान से स्पेशल गाड़ी थी। हाँ स्पेशल, और मतलब अच्छा है उनको, मतलब मज़ा आ रहा है, थकती नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं थकती। और ये हम से ज़्यादा एक्टिव हुआ है, वसीला पाकिस्तान से लेके आई गाड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। अल्लाह करे आज में भी साथ ना पंचर हुई है और ना कोई और मसला है, इतना एक्सपोज नहीं करना। फिर जमजम पीने अंदर दोबारा चले जाएंगे, हाँ मास्क बैठते हैं अंदर, तो बंद कर दिया जाने के लिए। हाँ हाँ अभी तो कल से ना 5 लीटर वाली बोतल नहीं मिलती प्लास्टिक की, हाँ ये तो मिल जाएगी वकाले वगैरह से, हम वो भी जमजम की भरेंगे। हाँ पैर फिरेंगे, ये वाली बहुत ठंडी टाइल है भाई, ये काली वाली जो है ना, और ईशा के बाद कभी घूमे ना इस पे, कभी ईशा के बाद इस टाइल को घूमो तो पता लग जाता है कि मगर ये टाइल जो है ना बहुत ठंडी है, ये वाली ना मैंने सुना है कि ऐसे लग रहा है ये कहीं पहाड़ों के नीचे से निकाली है, बर्फ के नीचे से, मगर जो भी है ये बहुत ठंडी है, मतलब ये हीट बिल्कुल पकड़ती ही नहीं है। नमाजी जो है सारे बाहर आ रहे हैं, आराम कर आ रहे हैं, आप जमजम के लिए। नहीं यार मेरे रात से बहुत दिल था, रात से मेरा बड़ा दिल था, देखिए मतलब पिया नहीं आपने दिन? नहीं मैंने पिया है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पिया है दिन वगैरह को, लेकिन रात को खाया ना ज़रा हैवी खाना, उसके बाद बड़ा दिल किया लेकिन बंद कर दिया था मैंने सारा। ये लगे हाँ ये कूलर लगे ना, बिल्कुल माशाल्लाह ठंडे ठंडा एक्चुअली काफ़ी है। आपको पता है कि जमजम का मैंने सुना है जो कि जमजम एक तो पहली बात है बहुत शफा वाली है, बिल्कुल होता है, उसकी बात है कि जो दुआ आप पढ़ोगे ना इस पर कि अल्लाह मेरी ये बीमारी है, मेरी ये जिस किस्म की भी बीमारी, जिस किस्म की भी दुआ बीमारी है, बेशक बहुत ज़्यादा हो, बेशक लाइलाज बीमारी हो, उसका भी इसके अंदर शफा है। इसमें आपकी जो भी बीमारी होगी आप उसकी नीयत करके पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शफा देंगे। मतलब मैंने तो
किया है कि भाई मेरी बीमारियाँ जो भी हैं एक्सटर्नल है इंटरनल है सारी दूर सारी बिल्कुल दूर। और ये भी किया है जान ने मुझे इसकी वजह से मैं पतला पड़ा, ये भी दुआ हो सकती बिल्कुल है। किया करें बाकी जन्नत का पानी है बिल्कुल बिल्कुल मीठा पानी है माशाल्लाह, जितना पिए उतना बंदा कहता है और पिए और अब जितना हमने अभी पिए इतना पाकिस्तान में पीते पानी हमारा पेट फूल जाता है। अभी भी ऑनेस्टली अभी 3 से 4 ग्लास भी है फील ही नहीं हो रहा कि कुछ पिए। बाकी चलते हैं देखते हैं नाश्ते में क्या है आज। बिल्कुल फिर मिलते हैं आपको इंशाल्लाह जोहर के वक्त। ये यहाँ पे कुछ गर्म करने का वो नहीं इस हालत में आप लोग लाए थे मेरे लिए रात जो लग नहीं रहा है उसके बाद आप फिश के ऊपर डालेंगे। ओह व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ये आप देख रहे हैं इन्होंने खराब तो कर रहे थे, ये हमने डाला थोड़ा सा फिश में बट उनको दे रहे हैं बीच में। हां बहुत बहुत हैवी कर दिए खाली है, इसमें थोड़ा नमक ज्यादा था इसलिए फिश विद हनी एंड जैम। वाह बहुत मजेदार है, इतना बहुत मजेदार है नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल मुझे नहीं। हमने तो अच्छा करने की कोशिश की थी, हमें नहीं पता था ये हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरा दिन नहीं तीसरा दिन तो शुरू है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आए थे और मैंने आज अपनी आई साइड वाला सन ग्लासेस वाला लगा लिया है और मुझे लग रहा होगा थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे सूट कर भी रहा है या नहीं। देखे ना प्रोटेक्शन तो चाहिए ना अपनी ग्लासेस की। जोहर का टाइम हो गया है और नमाज का भी टाइम हो गया, शायद आमद हो रही है, थोड़ा लेट हो गया और बस जाते हैं वहाँ पर। बड़ा अभी नींद छीन पूरी करके उठाऊँ, बड़ा थका हुआ था तो जाके फिर पहले तो जमजम किए कि नमाज पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। नमाज तो शुरू हो गई है, मैं थोड़ा फिर लेट हो गया आज, चलिए जान की नहीं इतनी जल्दी खुली। एक और हमारे साथ ही उधर छुप छुप करके जा रहे थे सुभान भाई को हमने ढूंढ लिया है। सुभान भाई वेव कर देना ऑडियंस को, आपको बहुत पसंद करते हैं लोग। हाँ लेट हो गए, ये सुबह पाए जो खाए ना उनका काम है, ये सुबह पाए ने करा दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सही हो गया। हाँ तो सही ट्रैक सूट में। हाँ मैं कह रहा इजी है ना। नमाज तो हो गई लेकिन हम थोड़े लेट हो गए, अंदर ही जाके कोई सुजान पे ने कोई एक जगह रखी हुई है उधर देखते हैं बैठते हैं नमाज वगैरह पढ़ते हैं सब हम पढ़ते पीते हैं उसके बाद तो आज इधर बैठते हैं थोड़ी देर बैठेंगे आगे तो रसूल को देखते हैं और सुकून इंशाल्लाह पाक और कुरान पाक पढ़ते हैं। भाई और भी सिर्फ बट आज थोड़ा बिजी है पिलर, हम कहीं और ढूंढेंगे हैं कोई मिल जाए अच्छा सा। बिल्कुल सामने हो ना रोज़ा रसूल, हम आप गुम्बद खज़रा हाजी जो हैं वो अभी जा रहे हैं। ये मिला, वाह जी वाह अच्छी जगह ये इसी के साथ बहुत अच्छी। कोई ऑफिशियल टीम होगी है ना, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना रही होगी है ना। यहाँ पे तो एक बंदा देखा जैकेट पहन के घूम रहा था, पता नहीं किस जगह।
सही है यार, लोग यहाँ पे जैकेटें पहन के भी घूम रहे हो और हम यहाँ पे गर्मी से तप रहे हैं। से मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री कोई बना रही है, ऑफिशियल टीम है शायद। बस रोज़े रसूल पे जाते हैं इंशाल्लाह। इस्लाम पेश करने जा रहे हैं हम लोग। फिर हमने नमाज़ अदा कर दी है ज़ोहर की, और मैं और ज़कावला इंशाल्लाह भी रोज़े रसूल पर हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। पहले तो ये प्लान था ना कि अंदर बैठते हैं थोड़ी देर इंशाल्लाह। बिल्कुल, मगर अभी मैंने देखा थोड़ा रश कम है रोज़े रसूल की साइड पर, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप जाके सलाम पेश करें। और बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ है, और अभी इंशाल्लाह नजर आ रहा हो। किस तरह करो कैमरा अभी नहीं आ रहा, अभी आ गया, अब आ रहा है ना। वैसे तो बिल्कुल आप उस दीवार के पास भी जा सकते थे, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ना इतना मैंने कर दिया। अभी आप दरवाजा दिखाना जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, यहाँ से मतलब मैंने एक पहले ब्लॉग में भी दिखाया था। पाकिस्तान से क्रिकेटर कौन सा? अच्छा अच्छा, हाँ वो जा रहा है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ से चलते हैं अंदर। मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था कि कितना रश था, लेकिन जोर के टाइम में तो तवाफ भी वहाँ पे इजीली हो जाता है, और यहाँ पे सलाम का भी बहुत गर्मी होती है ना, लोग कम होते हैं। अल्लाह की कसम मैंने पहली रोटी खोली हुई जो कि नशा बंद होती है। पहली रोक खोली हुई है, सबसे बड़ी खुशनसीबी ये रोक कब से बंद है। शुक्र अल्लाह का आपका मैं रोल नहीं किया। अभी असर का टाइम हो गया, अभी हम असर के पास निकले जा रहे हैं। मेरी मामा और भाई लोग लगता पहले ही निकल गए, उनका वेट करते करते थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्रॉस कर रहे हैं। तो बस जा रहे हैं असर के वक्त, तो ज़्यादा ही एक होती है ना एक हीट वेव, पूरी गर्म हवा है, सही कुछ ज़्यादा ही गर्म है। बैक टू आर स्पॉट, लेकिन यहाँ स्पॉट में तो हमारी सारी जगह पर ना कब्जा हुआ है। खजरा के सामने बैठ के थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बैठते हैं, सुकून। ये यहाँ पे तो बहुत सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, इस जगह का तो अलग ही सुकून है। बिल्कुल सामने मुहम्मद मुबारक नज़र आता है, बैठ के थोड़ी
जगह इजहार करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। माशाल्लाह इतना सुकून की जगह है ना कि मेरे भाई सुभान भाई और किसी भी सो रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सुकून वाली जगह है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैंने भी पढ़ने बाग बस करके रखा है, बिल्कुल सलाम शुरू करते हैं बिल्कुल पढ़ना। सनसेट का टाइम है और हमसे आज फिर ये इनकम बंद होना मिस हो गया। अंदर ही अपनी वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर जाते हुए सुन किया ताज़ा नमाज से मगरब का टाइम होने लगा है इंशाल्लाह। वे गावा बांट रहे हैं, हम ये पीते हैं और लेके जाते हैं भाइयों के लिए भी और बड़े पापा के लिए भी है। एनर्जी बूस्टर है, गला वगैरह सब फिट मिनट है, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कड़वा क्यों इतना। मेरे ख्याल से कोई मसाइल पूछ रहे हैं अरबी में और उनके वो जवाब दे रहे हैं कि भाई ये सही है या नहीं, वगैरह लगे हुए हैं सुन रहे। मगर बहुत तेज़ यहाँ पे हवा चल रही है, मतलब विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी इशा के अंदर मेरे ख्याल से घंटा है तो अंदर हम बैठे रहे मगरब के बाद भी बस। तो अभी बस चलते हैं, आज की पहली चीज़ हमने लिया एक शवरमा, कोई इजिप्शियन शवरमा है पता नहीं क्या है, ट्राई करते हैं इसे। लग तो रैप पैकिंग में सही रहा है लेकिन देखते हैं, भूख बहुत लगी हुई है मुझे, एक तो भूख बहुत लग जाती है चल फिर के ना भूख ज़्यादा हो जाती है, ट्राई करते हैं कैसा है। तो आज फिर दिन दाऊ जा के कोई शॉपिंग वॉपिंग करते हैं क्या नहीं। स्टोर के अंदर आ गए, देखते हैं अपने काम की चीज़ अभी कोई भी नहीं मिल रही है, सब बॉटल्स वगैरह एहराम की और ये पावर बैंक्स वगैरह नहीं है, अडॉप्टर है शायद, हाँ अडॉप्टर हैं पड़ेंगे हैं चॉकलेट्स, देखते हैं अपने काम की चीज़ कहाँ पर है। अभी बाद में आना पड़ेगा क्योंकि ये कह रहे हैं कि स्टोर बंद होने लगा और नमाज का टाइम हो गया, बस स्टोर बंद हो ही रहा है, काउंटर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, वापस आके देखना फिर करते हैं कोई शॉपिंग वगैरह अपने लिए, देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है तो हर चीज़ दुनिया की अम्ब्रेलाज वगैरह और ये चीज़ें देखेंगे। नमाज पढ़ के आते हैं, नमाज इशा का टाइम होगा। तो अभी हम मस्जिद नबी से आयशा की नमाज पढ़ के निकले हैं, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो कल भी खाई थी फिर खाते हैं, उसके बाद फिर ज़रा लॉकडाउन तबीयत है तो ब्लॉग का एंड करेंगे, अचानक से ना सर में ज़रा दर्द शुरू हो गया, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपको और आगे फिर क्या होता है क्या कैसे सफ़र गुजर है हमारा वो आपको पता नहीं। गॉट माय आइसक्रीम और अम्मा भी इंतज़ार कर रही हैं, खाते हैं उसके बाद कुछ फीका भी खाते हैं, इससे तो कोई काम नहीं चल रहा भैया हमारा। तो हमें एक इस्लामाबाद का होटल मतलब इस्लामाबाद में पाकिस्तान का होटल में लिया था, हमने ले लिया खाना, अब जाके ट्राई करेंगे। बाकी आज का ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, बहुत एक हेक्टिक दिन था आज, मतलब बहुत घुमा हूँ बहुत ज़्यादा, तो इंशाल्लाह कल रियाजुल जन्ना का प्लान है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना का भी होगा। बाकी आप लोगों के लिए सबके अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अमानिल्लाह।